हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रचित हिरानी और मैं आपको वेलकम करता हूं मोटरऑक्टेन पे। और साथ में ये भी कहता हूं तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज और कंपैरिजन दोस्तों, क्योंकि हम आप तक काफी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट पहुंचाते हैं। जैसे आज हम आपको बताने वाले 11 से 12 अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भारत देश में अगले 3 साल के अंदर आएंगे। और इतना एक्सक्लूसिव है कि मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचा क्यों ना आपको तुरंत ही बता दूं उन सब के बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए काफी लोग उत्सुक है जानने को कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या पेट्रोल डीजल कार्स बंद हो जाएगी वगैरह, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पहली चीज हम ये बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां 2020 में बंद नहीं होगी, ना ही 2030 में बंद होने वाली है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 2030 में इलेक्ट्रिक कार्स ही हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है, उन्होंने वो प्लान स्क्रैप कर दिया है। इसके बाद अब जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो तो तैयारी हो ही रही है, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप डीजल या पेट्रोल कार लेंगे और अगले 4-5 साल में वो चली जाएगी, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उससे काफ़ी और समय है टू रेवोल्यूशनाइज कम्प्लीटली टू इलेक्ट्रिक। तो एटलीस्ट 2035 या 2040 मिनिमम लगेगा टू रीच 100% इलेक्ट्राइज कार्स। सो टू अर्ली टू गेट टू दैट लेवल, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी अफोर्डेबल हो रही है, क्योंकि लिथियम आयन का डिमांड बढ़ रहा है एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन फॉर इट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस कम हो गई है। क्योंकि लिथियम आयन का इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है अभी कि आपको कम प्राइस में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी बहुत जल्द। सो सबसे पहली जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में आने वाली है इज फ्रॉम ह्यूंडई। इसका नाम है ह्यूंडई कोना। ये लॉन्च होगी अगस्त के महीने में इसी साल में। प्राइस होगी 18 से 25 लाख रुपए के बीच में। दिस विल नॉट बी रियली अफोर्डेबल, पर अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो 25 लाख तक इफ़ यू गेट अ कार जो 350 किलोमीटर का रेंज है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टार्ट। और कहानी ऑफ कोर्स यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये इनका जस्ट स्टार्ट है और ये गाड़ी इंपोर्ट हो रही है साउथ कोरिया से और इसे लोकली असेंबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम आ रहा है। अब ये गाड़ी अगर आप देखेंगे इसकी प्राइस 18 से 25 के बीच में है, अगस्त में लॉन्च है और आप मुंबई पूना, पूना से मुंबई कर सकते हो ऑन वन चार्ज। चार्जिंग टाइम पता नहीं, पर 2-2.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। और इस गाड़ी में आपको भरपूर फीचर्स मिलेंगे, तो बेसिकली जो आपको ह्यूंडई की एग्जिस्टिंग कार में मिलते हैं फीचर्स जैसे क्रेटा या टूसॉन, वो टाइप के फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। प्लस यू गेट द न्यू टेक्नोलॉजी ह्यूंडई की कनेक्टेड कार्स जो इसमें ऑफर कर दी जाएगी। इसके बाद अगली मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी जो आने वाली है इन इलेक्ट्रिक विल बी MG ZS। तो ZS इनकी एक SUV आती है, हमने ZS चाइना में चलाई थी जब हम गए थे, पर इलेक्ट्रिक वर्जन उसका बाद में लॉन्च किया गया तो हमें वो गाड़ी देखने नहीं मिली। पर ये गाड़ी इंडियन मार्केट में ऑफर कर दी जाएगी और MG इसे बहुत अफोर्डेबल बनाएगा, तो आई थिंक वो लॉसेस भी बनाएगा इनिशियली जब वो गाड़ी से बेचेगा इंडिया में, पर उसकी कीमत 10 लाख रुपये रहेगी, विच इज़ अगर आप सोचो अभी तक जो आईफोन जाते थे 50,000-60,000 कुछ सालों पहले तक, और सडनली उस समय आए थे शाओमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर 10-20,000, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। आपको इलेक्ट्रिक कार्स फिलहाल 18 से 20-25 लाख रुपए के बीच में आएगी, पर सडनली आपको वहीं पे इलेक्ट्रिक कार्स वैसे ही वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा के साथ ऑफर कर दी जाएगी एट 10-12 लाख रुपीज़। तो MG की ये कोशिश हैगी और वो इस पे ज़्यादा अच्छा रेंज देगा, 200 से 300 के बीच में अगेन ये भी रेंज देने की कोशिश करेगा इसमें। गाड़ी में फीचर्स काफ़ी सारे, टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार, इसमें भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ मिलता है जो आप एक गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हो, स्पेसिफिकली द इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी कार्स। सो ये हो गई कार नंबर 2। इसका लॉन्च होना चाहिए दिसंबर या जैन के टाइम पे, सो दिसंबर 2019 या जैन 2020 में। ये हो गए टोटल 2 प्रोडक्ट्स। तीसरा प्रोडक्ट जो आने वाला है ना विल बी अ क्लियर रेवोल्यूशनाइज प्रोडक्ट फॉर इंडिया। ये बात आप ध्यान रखिए, ये जो गाड़ी बनाई जाएगी ये कम्प्लीटली इंडिया में ही बनाई जाएगी, प्रॉपर इलेक्ट्रिक रहेगी और इसका रेंज भी काफ़ी ज़बरदस्त होना चाहिए। ये है मारुति की वैगनार।
जो मारुति और टोयोटा दोनों साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं, अरे हमने वैगनार देखी, टेस्ट हो रही है रोड पे, इलेक्ट्रिक है, ये वो, क्या ये आएगी, ये फोटो डालो। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मारुति ये टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है टोयोटा के साथ मिलके। ये टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो जाएगी तो वो अपनी एग्जिस्टिंग वैगनार में इसे ऑफर कर देगा फॉर इंडियन मार्केट। सो जो करंट वैगनार मार्केट में मिलती है पेट्रोल वाली, उसमें आपको इलेक्ट्रिक अवतार भी आ जाएगा 2020 में। इसकी प्राइस 10 लाख के अंदर रहेगी और ये 300-350 किलोमीटर का रेंज आपको आराम से दे देगी। सो ये रहा पहला रेवोल्यूशनरी मेड इन इंडिया हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक कार, ये है कि मारुति वैगनार, और इसका लॉन्च होना चाहिए मिड 2020 में। वहीं पे टोयोटा भी ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी और अपनी एक गाड़ी में ऑफर करेगी जो 10 लाख के अंदर आएगी, सेम फ्रॉम टोयोटा ऑल्सो, पर उसकी लुक्स अलग रहेगी ऑफकोर्स। सो ये ह्युंडई सॉरी टोयोटा एंड मारुति का बेस बन जाएगा इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए और इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो अब उन्होंने बैटरी डेवलप कर ली है और उन्होंने मोटर डेवलप कर लिया है, इन दोनों को लेके या बैटरी का रेंज बढ़ा के या मोटर का पावर बढ़ा के वो दूसरी गाड़ियों में भी आगे चल के इसको ऑफर करने लगेंगे। तो ये हो गई टोटल 4 इलेक्ट्रिक कार्स जो अभी तक आने वाली है इंडियन मार्केट में। पांचवी इलेक्ट्रिक कार जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इट्स द टाटा अल्ट्रॉस। तो अल्ट्रॉस ऑटो एक्सपो नहीं, जेनिवा मोटर शो में दिखाया था, ऑटो एक्सपो में मैंने आपको 4-5X कॉन्सेप्ट दिखाया था जो बन गई अल्ट्रॉस। अल्ट्रॉस में आपको दो वीडियोस बनाए, एक अल्ट्रॉस एक अल्ट्रॉस ईवी। तो ईवी में है माइनर चेंजेस किए गए फ्रंट में, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन चेंज किया गया है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसमें। सो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स अल्ट्रॉस ईवी में थी। जो ब्लू कलर की कार थी जो हमने जेनिवा शो में दिखाई थी वॉज द अल्ट्रॉस ईवी। इसका भी रेंज 200-300 किलोमीटर के बीच में रहेगा और ये भी पहली यू नो वन ऑफ द फर्स्ट कार्स इंडिया में बनाई जाएगी जो मॉडर्न है इलेक्ट्रिक में एंड विल हैव अ गुड रेंज ऑल्सो, क्योंकि जो टाटा की पहली गाड़ियाँ आई थी और जो वेरेटो अवेलेबल है मार्केट में वो 100-150 किलोमीटर का रेंज देती है जो सफिशेंट नहीं है। सो ये जो नई गाड़ी आने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, इसका रेंज 200-300 के बीच में रहना चाहिए, दैट विल मेक इट अ ग्रेट पैकेज। और इसकी प्राइस होनी चाहिए 9-13 लाख रुपए के बीच में समवेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसका प्राइस थोड़ा हायर रहेगा ओवर द पेट्रोल एंड डीजल, और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहेगा फ्रॉम टाटा मोटर्स। और उसी दौरान टाटा मोटर्स अपनी एक और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने वाला है विच विल बी द नेक्सॉन। नेक्सॉन जो आपने स्पाई शॉट्स देखे कह रहे हैं न्यू फेसलिफ्ट आ रहा है, अब देखिए फेसलिफ्ट आएगा पर जो गाड़ी टेस्ट हो रही है इज एक्सपेक्टेड टू बी द इलेक्ट्रिक वर्जन। ये भी 200-250 या 300 किलोमीटर का रेंज देगी, इसकी प्राइस 8-13 या 14 लाख रुपए के बीच में रहेगी और इसमें फीचर्स वही आएंगे जो नेक्सॉन में ऑलरेडी आते हैं। सो दिस विल अगेन बी वन मोर इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट के लिए और ये और एक मेड इन इंडिया कार रहेगी। अब देखिए मेड इन इंडिया कार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पायनियर इंडिया में जिसने इलेक्ट्रिक कार शुरू की थी इज महेंद्र, और महेंद्र शांत बैठने वालों में से नहीं है। ई के यू वी 100 भी आने वाली है इन द इंडियन मार्केट। अब ये गाड़ी भी उसी दौरान आएगी लेट 2020 में, इसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे फीचर्स में और ये गाड़ी आपको 200-300 किलोमीटर के बीच में रेंज ऑफर करेगी। आई बटन पे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, मैंने ई के यू वी का वॉकअराउंड बनाया था एट द ऑटो एक्सपो, अगर आपको नहीं वहाँ देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ सकता हूँ आपके लिए, डू गो एंड चेक इट आउट। ये एक और एक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट रहेगा लेट 2020 में, जिसमें आपको भरपूर फीचर्स भी मिलेंगे, कॉम्पैक्टनेस भी मिलेगा और रेंज भी मिलेगा। प्राइस इसकी रहेगी समवेयर बिटवीन 7-11 लाख रुपीज एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, अब बचे थोड़े और प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं लिस्ट बना के आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं कुछ छोड़ ना दूँ यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ इज फ्रॉम निसान, निसान लीफ। काफ़ी टाइम से इसकी बात चल रही है, लीफ आने वाली है, लीफ आने वाली है, लीफ आने वाली है। पिछले 5-6
7 साल से मैं सुन रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में कि अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। इस बार लगता है निशान इसे ऑफर कर देगी अगले साल, क्योंकि इसके बाद निशान के लिए जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसे थोड़ा टाइम, सो लीफ विल बी अ गुड वे टू फिल दैट गैप। पर इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, इसकी प्राइस 30 से 40 लाख रुपए के बीच में रहेगी, इसलिए मैंने इसको काफ़ी लेट मेंशन किया है। इसमें आपको फीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं और लीफ का रेंज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का है, जिसे इंटरेस्टिंग बना देता है। अब इसकी प्राइस जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये इम्पोर्ट हो रही है डायरेक्टली इंडिया में, जिसकी वजह से इसे 100% ड्यूटी पड़ती है। यानी कि अगर 15 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, तो आप इस पर 30 से 40 लाख रुपए सीधा भर रहे हो जस्ट बिकॉज इसको इम्पोर्ट किया गया है। तो ये है कहानी ऑफ द निसान लीफ। ये मिड 2020 में आएगी, बट बिकॉज इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको लेट मैंशन किया है। फिर आने वाली है रेनो की जो जो भी एक और एक उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इंडिया में ऑफर कर दी जाएगी। इसकी भी प्राइस ज़्यादा रहनी चाहिए, समवेयर इन द प्राइस ऑफ 15 to 20 lakh रुपीज़। ये भी एक इम्पोर्ट होनी चाहिए, पर स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर कि इम्पोर्ट करने वाले या इसको असेंबल करने वाले हैं। तो इसकी प्राइस आप 13 से 20 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इट्स अ स्मॉल कार, तो इस वजह से इसकी प्राइसिंग हायर है, क्योंकि ये लोकली बनाई नहीं जाएगी। और इसका लॉन्च होना चाहिए लेट 2020 या अर्ली 2021। फिर आएंगी दो लग्जरी SUVs इंडियन मार्केट में, जो वोल्वो की तरफ से आने वाली है XC40 इलेक्ट्रिक। ये एक्सपेक्ट कीजिए आप टू बी प्राइस एट समवेयर बिटवीन 55 to 65 lakh रुपीज़। तो जहाँ पे XC40 की प्राइस ख़त्म होती है, वहाँ से इस गाड़ी की प्राइस शुरू होगी, और ये ज़्यादा करके एक या दो अवतार में ही आएगी, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे ऑन दिस मॉडल। सो 55 to 65 के बीच में समवेयर माई स्वीट स्पॉट इज 60 lakh रुपीज़ इस गाड़ी की प्राइस होनी चाहिए एक शोरूम। इसके ज़्यादा हुई तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस गाड़ी को बेचना। 400 किलोमीटर का रेंज इसको भी मिलेगा, बट कितना फिजिबल है फॉर इंडियन कंडीशंस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा वेरी होता है ना, कि दूसरे देशों में ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे बैटरी लाइफ का अलग टेम्परेचर यू नो फंक्शनिंग है। यहाँ पे 40-45 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है, 50 भी जाता है कभी कभार, तो उस हिसाब से बैटरी की कूलिंग के हिसाब से इसकी लाइफ भी वेरी हो जाती है। लास्ट मॉडल जो आने वाला है इज फ्रॉम जैगुआर एफ पेस तो आती है, वैसे आई पेस भी आने वाली है इंडिया में, और ये इसकी प्राइसिंग शुड बी 1 crore के आसपास। फीचर्स भरपूर मिलेंगे, लॉन्च मिड 2020 में होगा, और देखिए मैंने आपके लिए जो भी मॉडल्स कवर किए हैं अभी तक सब 2021 के अंदर ही है, और अभी तक मैंने आपके लिए 12 मॉडल्स कवर किए। सो ये क्विक वीडियो था हमारी तरफ से। अगर आप इन सब पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मुझे इस वीडियो पे 5 lakh व्यूज़ मिलते हैं, दैट इज़ व्हेन आई नो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, वरना इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू मेक वीडियोज़। मैं आपके लिए वीडियोस बनाते जाता हूँ और कम लोग देख रहे, तो इस वजह से मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आपके लिए सही वीडियो बना रहा हूँ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, हमारा रिसर्च पसंद आया, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पे, Facebook पे, ताकि उन्हें भी पता चले इलेक्ट्रिक कार्स में क्या क्या नया आने वाला है इंडियन मार्केट में, और शायद वो अपनी नेक्स्ट परचेज इलेक्ट्रिक कार ही करें। हमें ये भी बताइए कमेंट्स में कि आप इलेक्ट्रिक कार लेंगे या नहीं अगले 2 से 3 साल के अंदर, अगर आपके बजट में इनमें से कोई फिट हो रही है तो। डू नॉट फॉरगेट टू मैंशन दैट इन द कमेंट्स, और कुछ भी और सवाल हो नीचे छोड़ दीजिए, उनके जवाब मैं देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ यार, मैं हूँ ना यार, आप पूछो सवाल, मैं उसका जवाब आप तक पहुँचाऊँगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट जवाब आएगा। अगर आपको लगता है आपका जवाब नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, तो Instagram पे हमें फॉलो कीजिए, आवर हैंडल इज @MotorOctane। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।